छात्र प्रयास समय चक्र के स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आपका स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वर्ष हम अब तक देवास के 28 स्कूल टॉपर्स के इंटरव्यूज को प्रस्तुत कर चुके हैं और यह हमारे इस कार्यक्रम का 8वां एपिसोड है जिसमें आपको देवास के 4 और स्कूल टॉपर्स से मिलवाने जा रहे हैं। 2014 से आरंभ किए गए हमारे इस प्रयास में हमारा एकमात्र उद्देश्य देवास के स्कूल टॉपर्स की खुशियों के साथ ही उनके परिजनों की खुशियों को भी हम आप सभी के सामने लाना चाहते हैं और निश्चित ही हम अपने इस कार्यक्रम के 3rd वर्ष विगत 2 वर्षों की तुलना इस वर्ष देवास के अधिकांश स्कूल टॉपर्स से मिलवाने में सफल रहे हैं और इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिकांश स्कूलों ने अपने स्कूल टॉपर्स की लिस्ट देकर हमें अविस्मरणीय सहयोग भी प्रदान किया है। यह बात अलग है कि अब भी देवास के कुछ स्कूलों ने अपने स्कूल टॉपर्स की लिस्ट नहीं दी है जिसके कारण हम देवास के और भी स्कूल टॉपर्स तक नहीं पहुंच पाए हैं और हम आशा करते हैं कि शेष बचे स्कूल्स भी हमारे इस उद्देश्य को समझते हुए उनके स्कूल के स्कूल टॉपर्स की लिस्ट देने का कष्ट करेंगे और हम देवास के सभी स्कूल टॉपर्स की खुशियों को आप सभी के सामने लाने के अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हो सकेंगे। आइए अब हम आपको बता दें कि हम आज किन किन स्कूल टॉपर्स की सफलता को आपके सामने लाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम जाएंगे चिमनाबाई स्कूल से 12वीं की स्कूल टॉपर मीनू के घर। मीनू के बाद हम आपको मिलवाएंगे ज्ञान सागर अकेडमी से 10वीं की स्कूल टॉपर आयुषी देशमुख से। आयुषी के बाद हम आपको लेकर चलेंगे सरस्वती विद्या मंदिर विजयनगर से 12वीं की बायो टॉपर पूर्वा निगम के घर और उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे पायोनियर स्कूल से 12वीं के स्कूल टॉपर अर्जुन ठाकर से। तो आइए सीधे चलते हैं इटावा स्थित विक्रम नगर जहाँ रहती है चिमनाबाई स्कूल से 12वीं की स्कूल टॉपर मीनू। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड में मैं तनु श्रीवास्तव कैमरामैन शेखर के साथ आप पहुँचे हैं विक्रम नगर पर जहाँ हम मिलेंगे मीनू से जो कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है लेकिन उनका जज्बा इतना स्ट्रांग है कि आज हम इंटरव्यू लेने उनके घर आए हैं। इस जगह को शायद ही लोग जानते होंगे लेकिन आज हम आपको मीनू से मिलवाएंगे क्योंकि वो बहुत होनहार छात्रा है जिनकी वजह से आप भी आज उन्हें टीवी पर देख पाएंगे। आइए मीनू से मिलते हैं। हेलो मीनू। हाय। कैसे हो मीनू आप? अच्छी। अच्छा मीनू आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मीनू शंकर सिसाठ है और मैंने 12th में टॉप किया है MLT सब्जेक्ट से। अच्छा मीनू ये MLT होता क्या है? मेरे अलावा दर्शकों को भी शायद कम पता होगा कि MLT होता क्या है, तो आप बताइए कि MLT क्या होता है। हाँ, ये एक व्यवसाय सब्जेक्ट है जिसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, जैसे लेबोरेटरी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं उस बारे में। अच्छा मीनू आप ये बताइए कि आपने तैयारियाँ कैसे की आपके एग्ज़ाम्स के लिए? सुबह उठ के पढ़ना और फिर शाम को फिर स्कूल में सारी रीडिंग वगैरह करना। अच्छा अच्छा आपके पेरेंट्स क्या करते हैं मीनू? मेरे पापा काम पे जाते हैं, मम्मी भी काम पे जाती हैं। अच्छा तो मम्मी पापा दोनों काम पर जाते हैं तो जिम्मेदारियां आपके ऊपर काफ़ी होती होंगी, फिर आप कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई भी और घर के कामों को भी? मेरी दो बहनें हैं जो काम करने में हेल्प करती थी और मैं पढ़ाई कर लेती थी। दी आप बताइए, जैसा मीनू ने बोला कि काम में तो आप हेल्प करते ही थे, इसके अलावा आप कैसे मदद करते थे मीनू की? तो मैं तो कुछ वो पढ़ने में तो ठीक है, सही साथ पढ़ भी लेती थी, इतनी हेल्प नहीं लेती थी हमारे से। अच्छा, मतलब आप सिर्फ काम करते थे ताकि उसको पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाए। बस उसको सुबह उठाना, उसको बस पढ़ाई पे ध्यान दे, काम पे ध्यान मत दे, ऐसे ही बोलते थे। आप कहाँ तक पढ़े दी? मैं 10वीं तक। भैया आप बताइए, आप और क्या क्या उम्मीदें रखते हैं मीनू से? डॉक्टरी कोर्स कराना है। अच्छा मतलब आप चाहते हैं कि डॉक्टर बने। अच्छा आप ये बताइए, सबसे पहले जब आपने सुना था कि मीनू ने टॉप किया है तब आपको कैसा लगा था? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हुआ, हमने बिल्कुल टॉप करा, हम सब भाई बहनों में, हम ज़्यादा नहीं पढ़े बाकी इसको पढ़ाने की इच्छा है ज़्यादा। आपको क्या लगता है लड़का लड़की एक समान, बालिका शिक्षा जो अभी अभियान चल रहा है उस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ भी नहीं है, देखो ये तो सिर्फ ये बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लड़की घर से बाहर निकलना चाहिए, पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बाकी आज के टाइम में कुछ भी नहीं है ऐसा। लड़का और लड़की मतलब लड़की अभी लड़के के बराबर है, दोनों एक सरी के कंधे से कंधा मिला सकता चल सकते हैं। आप और कैसे हेल्प करेंगे मीनू की, वो जो कहना चाहती है आप उसमें पूरा सपोर्ट देंगे? पूरा सपोर्ट देता हूँ, अभी भी दे रहा हूँ मैडम। मीनू जैसा कि हम लोगों को थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके लग रहा है कि फाइनेंशियली आप शायद इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, तब आप लोग आपने कैसे मैनेज किया, आपको कहाँ से हेल्प मिली? मतलब ये कि जैसे पैसे पढ़ने के लिए इतनी दूर जाना, आपका घर भी काफ़ी दूर है, ये जगह के बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा,
तो आप कैसे मैनेज करते थे इतनी दूर जाना आना, और ट्यूशंस आप तो जा नहीं पाते होंगे, फिर आप कैसे करते थे सब मैनेज? सुबह स्कूल के लिए भैया छोड़ने जाते थे और लेने जाते थे, और फिर फीस वगैरह सब भैया के ऊपर था, भरना वगैरह। आपने मैनेज किया सब, तो आपको बहुत काफी परेशानी आती होगी। परेशानी तो आती है, क्या कर सकते हैं बताइए आप। और आप चाहते थे कि आपकी बहन पढ़े और कुछ बने, वही है कुछ। आप आगे और क्या क्या करना चाहती है मीनू? मैं भी BSc करना चाहती हूँ और खुद की लैब खोलना चाहती हूँ। अच्छा, BSc करके खुद की लैब खोलना चाहती हूँ। आपके पेरेंट्स आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? वो तो एक्चुअली बाहर चले जाते होंगे, उनको ये खबर मिली थी तब उनका रिएक्शन क्या रहा? वो बहुत खुश थी जी। और क्या क्या उम्मीदें रखते हैं आपके पेरेंट्स आपसे? वो बहुत पढ़ाना चाहते हैं आगे, अच्छा सा मतलब अच्छी जॉब लगे इसलिए। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट्स को आप और क्या क्या टिप्स देना चाहेंगी, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? क्योंकि अधिकतर बच्चों को लगता है ट्यूशन जाना मतलब पढ़ाई करना हो गया, लेकिन आप तो ट्यूशन गए नहीं, फिर आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी कैसे पढ़ाई करना चाहिए जो आपने की है? सिर्फ घर पे पढ़ो, कम से कम 5-6 घंटे पढ़ो, आराम से अच्छे से पढ़ो तो हो जाएगा कवर जी। और आपका फाइनल गोल आप जैसे बता चुके हैं BSc करके लैब खोलना, इसके अलावा और कुछ? जैसे कि अभी कॉलेज स्टार्ट होगा तो शायद जॉब भी करना चाहूँगी बीच में, और फिर सब मैनेज करना पड़ेगा, और BSc करना ही चाहती हूँ। आप जहाँ पर पढ़ते हैं, आपने जहाँ से DMLT का कोर्स किया है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था? आपको टीचर्स सपोर्ट करते थे? चिमनाबाई का जो भी स्टाफ था वो आपको कैसे सपोर्ट करते थे? बहुत सपोर्ट करते थे, हमारी क्लास टीचर थी रुचि मैम, बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और कुछ आप कहना चाहती हैं अपनी बहन के लिए, या कुछ और उम्मीदें हैं आपकी जो आप चाहती हैं कि वो पूरी करें? आप तो जैसे नहीं कर पाई, आप चाहती हो कि मैं ये बनना चाहती थी, अब मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरी बहन ये काम करे। मेरी बहन बहुत अच्छा पढ़े और आगे जाए, मैं यही चाहती हूँ जी, वो जो चाहती वही करे। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्, कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। यही हमें मीनू से सीखने को मिला है, जिसने विकट परिस्थितियों के बावजूद यह सफलता हासिल की है। कुछ ऐसे ही धमाकेदार और होनहार छात्राओं से, टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे हमारे शो स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ। अब तो आपको लगता है ना कि वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है और क्यों हम इतनी भयंकर धूप में इन स्कूल टॉपर से आपको मिलवा रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, क्योंकि हम चाहते हैं कि देवास की मेहनती तथा हमारे मीडिया की नजरों में कभी नहीं आने वाले ऐसे ही स्कूल टॉपर्स को आप सभी के सामने लाना, क्योंकि ऐसे स्कूल टॉपर्स की न तो महंगे अखबारों न तो कोई न्यूज छपती है, और न ही कोई इनके बारे में कोई बात करता है। और ऐसे स्कूल टॉपर से केवल और केवल समय चक्र की टीम ही आपको मिलवा सकती है, क्योंकि यही तो संकल्प है हमारा। अब बारी है ज्ञान सागर अकेडमी से 10वीं की स्कूल टॉपर आयुष देशमुख और सरस्वती विद्या मंदिर विजयनगर से 12वीं की बायो टॉपर पूर्वा निगम से मिलने की, किंतु इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब CBSE विद्यालयों के टॉपर्स की लिस्ट बनती है तो टॉपर्स में नाम आता है CG ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों का, सर्वोच्च अंकों के साथ इस वर्ष भी आगे। CG ट्यूटोरियल्स, CBSE विद्यार्थियों का जंक्शन पॉइंट। CG ट्यूटोरियल्स, वी डोंट टीच डिफरेंट, वी टीच डिफरेंटली। प्रतिदिन लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस के पीरियड। CG ट्यूटोरियल्स में विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए एप्लीकेशन पार्ट पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाते हुए विजुअल क्लासेस के साथ साथ मेंटल एबिलिटी क्लासेस का संचालन, विद्यार्थियों की बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेमिनार्स का आयोजन, एजुकेशनल ट्रिप्स के माध्यम से जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बढ़ाने का प्रयास। क्लास 9, 10th में फाउंडेशन क्लासेस, ओलंपियाड, परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण। क्लास 11th 12th में रेगुलर कोर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाती हैं। मैनेजमेंट का पालकों से सीधा संपर्क रहता है। प्रतिदिन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की जानकारी SMS द्वारा दी जाती है। नियमित पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, बेहतर भविष्य, सफल व्यक्तित्व का निर्माण स्थल। CG ट्यूटोरियल्स, ISO 9001:2008 सर्टिफाइड CG ट्यूटोरियल, नियर LNB क्लब, AB रोड, देवास। मोबाइल 9070469 47, फोन 0727242188। वर्मा क्लासेस, जहां टॉपर्स तराशे जाते हैं।
निरंतर 30 वर्षों से एमपी बोर्ड 10th एंड 12th के स्टेट टॉपर्स हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स या फिर हो स्कूल टॉपर्स, यह सभी होते हैं वर्मा क्लासेस के स्टूडेंट। 9th टू 12th एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक ही डेस्टिनेशन वर्मा क्लासेस, 47 सुतार बाखल देवास, फोन 222571, मोबाइल 9425050001। द साइंस फ्रंटियर राठौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, लर्निंग भीड़ में नहीं, भीड़ कर कार्य करने से ही संभव है। आशिता राठौर राइस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। मैंने एमपी में 8th पोजीशन प्राप्त की है क्लास 12th में। सेपरेट बेचेस फॉर सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स विद विदाउट प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग, एंट्रेंस एग्जाम्स केवीपी वाई एनटीएसी एंड ओलंपियाड्स। Admission open for classes 9, 10, 11, 12. 12th batches is commencing from 1st June. RISE, Rathor Institute of Science Education. Beside School of Excellence, NVM number 2, Devas. Mobile 9827333631. 81202-00106. टॉपर्स अवार्ड में आपका स्वागत है। ब्रेक के पूर्व हमने आपको मिलवाया था चिमनाबाई स्कूल से 12वीं की स्कूल टॉपर मीनू से, और अब आपको मिलवाने जा रहे हैं ज्ञान सागर एकेडमी से 10वीं की स्कूल टॉपर आयुषी देशमुख से। सीजी ट्यूटोरियल्स प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड में अब हम आ चुके हैं ज्ञान सागर एकेडमी, और हम आप मिलने वाले हैं यहाँ के स्कूल टॉपर से। तो आइए और उन टॉपर से मिलते हैं। आपको मिलवाने जा रहे हैं आयुषी से, जो ज्ञान सागर स्कूल एकेडमी की 10th की टॉपर है। हेलो आयुषी। आयुषी, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। आई आयुषी देशमुख, माय फादर नेम इज ज्ञानदेव देशमुख। आई एम द स्टूडेंट ऑफ ज्ञान सागर एकेडमी एंड आई हैव पास्ड आउट द 10th क्लास विद 10th CGPA। ओके आयुषी, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। आई बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। माय फादर इज हैविंग जॉब एंड माय मदर इज हाउस वाइफ। What was expectation of your father from you? He was just accepting 10 CGPA only, and he has always supported me for this to achieve 10 CGPA, and he want me to become engineer. What is your option after 10th? Which subject you want to elect? I want to opt maths because my father's dream is to for me is to engineer. Okay, so you want to be an engineer? Yes. In which branch? Software engineer. Okay. What is your strategies of studies? Actually, first my timetable, which I have made for a proper study, and I have strictly followed the timetable, and my discipline, my devotion towards my studies. Yeah. Who is your role model for your studies? My father and my teachers. Okay. What is the atmosphere of this school? How you feel? Very good atmosphere. Teachers are very friendly, and principal ma'am is always there for with us. Whenever we have some problem, we shared with our teachers, with our principal ma'am. They give us proper guidelines for our future also. Okay, Ayushi, what is the message you want to give to other students? My message is to you should follow your teachers, whatever they are saying, because they are the backbone of your future. They always support you, and you also whatever your parents are saying to you, because they just want your good and your good future. Yeah. Okay. Thank you, Ayushi. All the very best for your future. And lastly, I want to thank my school, Gyan Sagar Academy. It has played a vital role in my success. Thank you. Thank you, Ayushi. All the very best for your future. ऐसे ही होनहार स्टूडेंट से हम आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम स्कूल टॉपर्स अवार्ड। आयुषी देशमुख अपने माता पिता की इकलौती संतान है। आयुषी हमारे यहाँ से नर्सरी क्लास से है।
उत्तरोत्तर उसने इसी प्रकार से उन्नति की है। उसका जो 10 CGPA आया है वो उसकी और उसके शिक्षकों की पूर्णतः मेहनत का फल है। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा और जितना सपोर्ट उसे स्कूल ने और जितना उसके पेरेंट ने किया है, बच्ची ने उसका 100% रिटर्न दिया है। शाला परिवार, स्कूल फैमिली उस बच्ची के सुनहरे भविष्य की कामना करती है और उसको उसके इस अप्रतिम रिजल्ट पर बहुत सारी बधाइयां प्रेषित करती है। दसवीं की स्कूल टॉपर आयुषी देशमुख और अब आपको लेकर चल रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर विजयनगर से 12वीं की बायो टॉपर पूर्वा निगम के घर। हेलो पूर्वा। हाँ हेलो पूर्वा, अपने बारे में पहले बताइए कुछ। मेरा नाम पूर्वा निगम है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ विजयनगर के, और मैं बायोलॉजी से अभी मैंने टॉप किया है 88% पे। पूर्वा, आपकी इस स्टडी का राज क्या है वो बताइए, आपकी सफलता का राज। मैंने कोई कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी से किया है, लेकिन मेरे स्कूल और मेरी मम्मी और मेरी दादी और मेरे भैया उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे लिए, और सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी का, क्योंकि मेरी मम्मी मतलब मुझे पढ़ाती भी थी इसलिए। कैसा सपोर्ट रहा है आपका घर में आपकी पढ़ाई को लेकर? मेरी मम्मी मुझे काम नहीं करवाती थी, दिन भर मतलब बोलती थी कि आप पढ़ते रहो, तो मतलब मेरा हर बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ो, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को दिन भर बोलती थी कि पढ़ते रहो, आप अच्छे परसेंट बनाओगे। मैं मतलब कोचिंग कहीं नहीं गई, लेकिन फिर भी मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। मतलब सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग आपको आपकी मम्मी ने कराया आपके घर में इस वही, और मेरी दादी है और मेरे भैया ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, दादी और भैया ने कैसे सपोर्ट किया आपको? जैसे मेरे को कोई ज़रूरत पड़ती, जैसे मोबाइल में पढ़ने वढ़ने के लिए, तो वो मेरे लिए करते थे, और जैसे काम वाम करना रहता तो मेरी मम्मी वो करती थी, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। ओके, तो पूर्वा आपके स्कूल का वातावरण कैसा था आपकी स्टडी को लेकर? स्कूल में मतलब मेरे को कोचिंग जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हमारे युवराज सर हैं, पाठक सर हैं, मतलब सभी जो लगभग सभी टीचर जो मेरे को पढ़ाते थे वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, सभी बहुत अच्छे से वो करते थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड टीचर आपके स्कूल में? दो सर हैं मेरे, तो युवराज सर एंड पाठक सर। ओके, तो अभी आपने जैसे 12th तो पास आउट कर लिया है ना, अब आगे फ्यूचर में आपका एम क्या है, क्या करना चाहती हैं? तो डॉक्टर बनना चाहूँगी और मैं कोशिश भी करूँगी, मैं तो पूरा वो है फोकस कि मैं डॉक्टर ही बनूँ, लेकिन आगे आप देखते हैं क्या फिर होता है फिर। अच्छा, तो डॉक्टर के लिए आप कुछ पढ़ाई कर रही हैं अलग से किसी एग्ज़ाम से? मैं दे चुकी हूँ, मतलब अभी जो एग्ज़ाम हुई थी वो दे चुकी हूँ, अभी उसका रिजल्ट भी आने वाला है। घर में सेल्फ स्टडी से मैंने उसको किया था। ओके, मतलब अभी भी आपने सेल्फ स्टडी की है ना, और आगे भी आप सेल्फ स्टडी जारी रखी? हाँ, आगे भी यही जारी रखूंगी मैं। आप बताइए पूर्वा की इस उपलब्धि पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो, कि मैं एक लड़की हो के मेरी लड़की ने मेरा नाम रोशन किया, और इतने गरीब फैमिली से कि मतलब उसके ट्यूशन तक नहीं लगा पाए हम, और उसने खुद ने अपने उससे ही सब किया। किस टाइमिंग से आप उसे कैसे शेड्यूल रेडी करते थे उसकी पढ़ाई का? बहुत 6 से 8 ये स्कूल जाने के पहले पूरा इसका काम करती थी, सिर्फ इसका काम इसने सिर्फ किया, बाकी उसके अलावा मैंने घर का काम इस पर प्रेशर कभी नहीं डाला, सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर था कि अपने को कुछ करके दिखाना है, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब अपना स्तर कम है नीचे, तो मतलब गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो मतलब एक प्रेरणा है ये सभी के लिए कि नहीं इसने किया, और जितना बोला उससे भी अधिक करके 85 का टारगेट था, ये 88 बनाया उसने, तो मुझे तो बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि मैं जाहिर नहीं कर पा रही हूँ अपने आप से बहुत ज़्यादा, और मैं संतुष्ट हूँ कि ठीक है, और आगे इसके डॉक्टर बनने का सपना है तो ये भी हम चाहेंगे कि पूरा करें। हेलो। हेलो। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप अभी स्टडी में? आई एम स्टडिंग इन 4th। आपकी बड़ी दी ने इतने अच्छे परसेंटेज गेन किए हैं और पूरे स्कूल में टॉप किया है, तो आपको क्या सीखने को मिला उनसे? आप भी ऐसी स्टडी करोगे आगे? यस yes. अच्छा, आप क्या चाहते हैं आगे जाकर, क्या बनना है आपको? मिलिट्री फोर्सेस। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पूर्वा की दादी जी भी, आइए अब उनसे जानते हैं पूर्वा की सफलता की इस उपलब्धि पर उन्हें कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमको, कमल पोतिया जितने बड़ी वो प्रसिद्धि हासिल की उसने। अच्छा, पूर्वा को कैसे सपोर्ट किया उसकी पढ़ाई में? कदा वो जल्दी उठाना करना, उसको याद दिलाना, चाय बना के देना, कुछ काम मत कर, पहले पढ़ाई पढ़ाई कर। सर, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है पूर्वा की सफलता पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पूर्वा से आगे, उसे क्या करना चाहिए फ्यूचर में? जो उसकी इच्छा है वही करना चाहिए। आप उसे सपोर्ट करेंगे पूरा? बिल्कुल।
सीसी ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स स्कूल टॉपर्स अवार्ड में हमने आपको मिलवाया है अलकापुरी में रहने वाली सरस्वती विद्या मंदिर की टॉपर पूर्वा निगम से। ऐसी किसी और स्कूल टॉपर से मिलने के लिए आइए चलते हैं। देशमुख और पूर्वा निगम से मिलकर अभी एक और स्कूल टॉपर है अर्जुन धाकड़, जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, किंतु इस छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। स्कूल टॉपर्स अवार्ड में अब हमारे साथ मौजूद है पायोनियर पब्लिक स्कूल के 12th बायो टॉपर अरुण ढाकर। आइए मिलते हैं अरुण से। हेलो अरुण। हेलो अरुण, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अरुण ढाकर है और मैंने पायोनियर पब्लिक स्कूल से 12th बायो से पूरे स्कूल में टॉप किया है। मैंने 12th में 81.2% बनाए हैं और मैं कनेरिया गाँव से रहने वाला हूँ और मेरे साथ आए हैं मेरे पिताजी। अरुण, जैसे कि आपने बताया आप कनेरिया गांव से रहने वाले हो, है ना, तो वहाँ से आपने देवास में रहकर मतलब कैसे, कहाँ रहते थे आप, देवास में कैसे स्टडी किया आपने? मैं देवास में अनुकूल नगर में हॉस्टल से रहता था और वहीं मैंने स्टडी की और मेरे माता पिता गांव में ही रहते थे। ओके, तो आप कितने टाइम से यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं? मैं 7th क्लास से ऑनवर्ड यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो अरुण आप बताइए कि आपके स्कूल का माहौल कैसा था, कैसा वातावरण था आपकी पढ़ाई को लेकर? स्कूल में टीचरों का हेल्पिंग नेचर था और स्टडी में कुछ भी डाउट होता था तो वो बता देते थे। छोटा सा छोटा डाउट भी अपन पूछ लो तो वो बता देते। अब जैसे कि स्कूल का तो आपने बता दिया, अब आपने बताया कि आप हॉस्टल में रहते थे, है ना, तो हॉस्टल में तो बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, है ना, शेयरिंग करनी होती है हर चीज़, तो वहाँ फिर आपने कैसे स्टडी किए? जो मेरे हॉस्टल में रहते थे वो भी सारे स्टडी मतलब पढ़ने वाले थे और वो सारे सबका हेल्पिंग नेचर था, किसी से डाउट होता था एक दूसरे से पूछ सकते थे हम। तो कितना टाइमिंग आप अपनी स्टडी में देते थे एक दिन में? 5 to 6 आवर। अच्छा, और इसके अलावा आपने मतलब सेल्फ स्टडी किया या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था?
कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था सर। आप हमें बताइए कि जैसे कि आपने 12th तो पास आउट कर लिया है ना, अब आगे क्या सोच रखा है आपने, क्या एम है आपका, आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और MBBS करना चाहता हूँ। अच्छा, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अभी? हाँ, अभी मैंने जो PMT की एग्ज़ाम दी, अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है, और भी बाकी भी दूसरी भी एग्ज़ाम देना है। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है अरुण? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और बहन है, 4 बहन। आपकी फैमिली वहाँ रहती थी और आप हॉस्टल में, तो कैसा सपोर्ट किया आपकी फैमिली ने? उनको सपोर्ट करते थे पढ़ाई के लिए, और हमेशा हमको मोटिवेट करते रहते थे कि ये पढ़ाई करना अपने को, अपन मतलब किसान है और आगे बढ़ना है। आपको लग रहा था कि आप इतने अच्छे परसेंटेज बना पाएंगे? हाँ, उम्मीद तो थी कि इतने बना पाएंगे। अच्छा, मतलब जितनी उम्मीद थी उतने परसेंटेज ही बने? हाँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अरुण के पिताजी भी, तो अब आइए उनसे जानते हैं अरुण की सफलता के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। नमस्ते सर। नमस्कार। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है अरुण की इस सफलता के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत खुशी होती है। हर माता पिता को जैसा लगता है वैसा ही मेरे को अच्छा लग रहा है। जैसे कि अरुण MBBS करना चाहते हैं, तो सर इसके लिए आप क्या सोचते हैं, अरुण का आगे क्या करना चाहिए? अरुण को जो इसकी इच्छा के ऊपर ही छोड़ा, जो आपको मतलब जो अच्छा लगे वही करो आगे। और आप कैसे सपोर्ट करते थे अरुण को उसकी पढ़ाई में? जैसे कि आप बाहर रहते थे, तो किस तरीके से आपने उन्हें सपोर्ट किया है? मैं ये खेती बाड़ी करता हूँ, किसान हूँ, फिर भी यह जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट प्लेस होने से देवास आता जाता रहा, तो फोन से प्रतिदिन बात होती रहती थी, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और वैसे पूरा भरोसा था, क्योंकि शुरू से ही बचपन से नर्सरी से लगाकर मतलब 12th तक अच्छा मतलब ये स्टूडेंट रहा, मतलब 10th में भी इसने मतलब 8.6 CGPA से की थी मतलब, और अभी भी 12th में भी 81.5 से की है, मतलब तो अच्छा लगा सर, मतलब भरोसा भी था कि ये करेगा अच्छा, मतलब पढ़ने में अच्छा शुरू से। अच्छा, मतलब जो सोचा था आपने, जो उम्मीदें आपने अरुण से रखी थी, वो इन्होंने पूरी की है? हाँ, बिल्कुल पूरी की, मतलब अच्छी। CG ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स स्कूल टॉपर्स अवार्ड में अभी हमने आपको मिलवाया है पायोनियर स्कूल के 12th बायो टॉपर अरुण धाकर से। ऐसे किसी और होनहार स्कूल टॉपर से मिलने के हमारा ये प्रयास निरंतर जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। और आपके विचार भी हमें इन नंबर्स पर बताना मत भूलिएगा।